अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरे वाइटी की फैमिली? आई होप अच्छी होगी, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सहरी की कहा था आपने मुझे कि सहरी का भी आप शेयर करिए, तो मैंने सोचा चलिए मैं सहरी का थोड़ा सा करती हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई हूँ, बट थोड़ा सा मैंने जो शूट किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बना रही हूँ सहरी, और ये बना रही हूँ मैं पराठा हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। और रोज़ा के अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं रख रही हैं, बाकी हम लोग ही रखते हैं। और बाकी सबको, पापा का भी ऑपरेशन हुआ है इस वजह से वो नहीं रख रहे हैं, और अम्मी को डायबिटीज़ है, शुगर की वजह से नहीं रखती हैं वो, और बाकी बच्चे छोटे हैं वो बिना रोज़ा रखे इतनी जान खाते हैं, रोज़ा रख के पता नहीं क्या हाल करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है ना व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, और सहरी बना रही हूँ, यहाँ चाय बन रही है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है। हस्बैंड जो है ना उनका जो एज़ यूजुअल नाश्ता होता है ना, बस वो ही करते हैं, ये बलाई है उनकी, बलाई मलाई जो भी आप लोग कहते हैं वो। तो ये पराठे मैं उनके लिए बना रही हूँ, और चाय होगी, बलाई होगी, बस वो यही सब खाते हैं। एग वगैरह ऑमलेट जो होता है वो खा लेते हैं कभी जभी, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा। और वैसे वो पराठा नहीं खाते, रोटी खाते हैं, लेकिन अभी जो है ना वो पराठा खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था अपने लिए हल्का सा लगाने से पता नहीं क्या होगा, वैसे तो आजकल बहुत ऑयल खाने में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो सहरी में ही हम बचत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया ताकि यार कुछ तो मतलब टेस्ट आ जाए पराठे जैसा, और थोड़े से ऑयल की बचत भी हो जाए। हा हा हा, सो फनी। तो खैर मैं यहाँ पर पराठा बनाऊँगी, और साथ ही आपको मालूम है मैंने कबाब स्टोर किए हुए हैं, बस एक कबाब जो है मैं तल लूँगी, फ्राई कर लूँगी उसको, और चाय बनाऊँगी अपने लिए, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ, बस ये हमारी सहरी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं लेती हूँ क्योंकि नहीं खाया जाता यार बिल्कुल भी, क्या करें। अफ्तार होता है, अफ्तार के बाद सीधा ही सहरी होती है। रात में अगर ये सब बच्चे वगैरह लोग खाते हैं, सारे लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ, तो ज़रा सा अगर मैंने खाया कभी जब भी, नहीं तो अदरवाइज़ ये होता है कि मैं नहीं खाती हूँ। तो ये हमारी जो है सहरी हो गई है डन, अब हम इसको फिनिश करेंगे, खाएंगे। ये हस्बैंड का नाश्ता, ये मेरा, मतलब ये उनकी सहरी और ये मेरी सहरी, नाश्ता नाश्ता ही निकलता, आदत है ना एज यूजल, तो वही। तो बस ये हम लोग सहरी कर लेंगे, ठीक है। वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, तो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। स्किप किया तो आप भूल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में मुझसे पूछेंगे, ठीक है, और फिर बाद में मैं खुद भी भूल जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए आप स्किप मत करिए। और यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं आलू शिमला मिर्च, जो कि बेहद मज़े की रेसिपी, बहुत ही मज़े की, ज़बरदस्ती, पसंद आएगी आपको डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हुए हैं, चार आलू लिए थे मैंने, और ये दो शिमला मिर्च होंगी। तो जितने आपको आलू लेना है उसके आधे आपको शिमला मिर्च लेना है, या जैसे आपकी मर्ज़ी, आप बराबर भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप आलू ज़्यादा ले लें, ठीक है, जैसा आप खाते हो उसके हिसाब से आप ले लें। तो मैं शिमला मिर्च कम ही लूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं इतने ज़्यादा, पिज़्ज़ा वगैरह में तो चल जाता है लेकिन वैसे नहीं खाते, कीमा होता है उसमें चल जाते हैं। तो खैर हमने आलू को छोटा छोटा सा जो है ना काट लिया है इस तरह से धो के, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही मेरी, मतलब बहुत ही अच्छी, जो व्लॉगर है बहुत अच्छी, मतलब मेरी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, तो मरियम परवेज़ की रेसिपी है ये, बहुत ही मज़े की उनकी रेसिपी, ज़बरदस्त होती हैं उनकी ही तरह, जैसे कि वो बड़ी स्वीट सी हैं, और जैसे आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना वैसे मुझे उन पर ट्रस्ट है, तो उनकी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही सिंपल, ईजी एंड टेस्टी। तो मुझे ये बहुत पसंद आई, मैंने कभी इस तरह से मतलब नहीं खाया आलू और शिमला मिर्च, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आलू को फ्राई कर लिया हमने, अब शिमला मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा, फ्राई हो गई है पता चल जाएगा आपको देख के ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें हमने एक बड़ा चम्मच जो हम तेल लेते हैं ना वो हमने डाल दिया है, उसमें हमने ली है दो मीडियम साइज़ की ऑनियन, उनको इस तरह से चॉप कर लिया है, ठीक है, रफली आप उसको चॉप कर लें, रेंडमली जैसा मर्जी हो आपको, ठीक है। तो मैंने उसको कर लिया है, और फिर अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा हम सॉटे करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्टनेस दिखने लगेगी, फिर उसके अंदर हम हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको खूब अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम दो मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं उन्हें भी हम चॉप करके डाल देंगे। वन टेबल स्पून धनिया डाला है, वन टेबल स्पून मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून डालेंगे हम हल्दी, और हाफ टी स्पून डालेंगे हम गरम मसाला, ठीक है। बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस ये डालें आप इसके अंदर, ठीक है। अगेन सोटे करें इसको, और हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसके अंदर खुद ऑलरेडी पानी छूट जाएगा टमाटर का, इनकेस अगर नहीं होता है ना तो आप थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें, उसको भूनें, भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको दम पर रख दें,
ठीक है, तो जब आपके टमाटर है ना वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगे। बस जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये देखिए मैंने इसको दम पे रख दिया था, थोड़ी देर के बाद ये हो गए 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हमारे सम्मू कहती हैं मैं ठीक है बहुत कहती हूँ ना, हमारे पापा भी कहा करते थे हर बात में ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए हैं सॉफ्ट टमाटर। अब हमारे आलू और शिमला मिर्च भी हम डाल देंगे, ऑलरेडी कुक हो चुके हैं ये, हमने फ्राई किया था, फ्राई होने में ही ये पक गए हैं। बस हम इनको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ऊपर नीचे फोल्ड करेंगे मसालों के अंदर, और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, एंड दैट्स इट। जो हमारी रेसिपी है ज़बरदस्त थी, ठीक है, वो जो है रेसिपी बाय मरियम परवेज़ एंड मेड बाय मी और टेस्ट बाय यू। तो ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक देना अगर आपने नहीं बनाई, और आप लोग बताइएगा अगर कोई कोई बनाता हो इसमें से, तो वो भी मुझे बताएं। आप लोग बताते हैं बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कड़ी की काफ़ी लोगों ने कहा हम भी ऐसे ही बनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि वाह यार। और कुछ ने कहा कि नहीं हम तो बनाते ही नहीं है, तो हमने कहा ज़रूर बनाओ यार, नहीं बनाते हो तो। तो ये हमारी बनके सब्ज़ी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार मैंने खाई, मुझे मज़ा आ गया एक नंबर। ठीक है, तो ज़रूर खाना और अपना फीडबैक ज़रूर देना मुझे। और चलिए अब हम बना लेते हैं पोटैटो चीज़ बॉल। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल कुक लाइक शहला पे है, और लास्ट ईयर बनाई थी मैंने। चलो इस साल फिर बना कर दिखा देती हूँ, जो न्यू ज्वाइन हुई है ना हमारी सारी सिस्टर्स उनके लिए। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया धनिया, ठीक है, हरा धनिया चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्चें अच्छी बारीक चॉप कर ली हैं, 1 टेबल स्पून खड़ी लाल मिर्च होती है ना वो हमने ले लिया है, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं हम, और 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है जो ओरेगानो होता है वो लिया है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, नमक लिया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, खूब अच्छे से मिक्स कर देना, मिला देना। अच्छा, यहाँ एक टिप दे दूँ मैं आपको कि जो आप पोटैटो मैश करें ना, उसको मैश करने के बाद आपको फ्रिज में रख देना है, ठीक है, ठंडा करना है इसको, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना आलू, उसके बाद ही हमें ये बॉल्स बनानी है, अदरवाइज़ जो होंगी ना वो बड़ी चिपचिपी सी और सॉफ्ट सी हो जाती हैं। आलू ठंडा होने के बाद जो है ना बड़ा अच्छा मतलब हो जाता है, हाथों में चिपकता नहीं है। तो ये टिप है आपको मेरे लिए, मतलब आपके लिए मेरी तरफ से। तो ना ये आप इस तरह से बना लें, ठीक है। मीनवाइल मेरे बॉल्स रेडी हो रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और न्यू ज्वाइन किया है जिन्होंने भी, तो लाइक दे दीजिए और प्यारा सा कमेंट सा अपना ड्रॉप कर दीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो लिखने का तो हार्ट दे दीजिएगा, दुआएं दे दीजिएगा, बड़ी खुशी होगी मुझे। और ये देखिए बीच में हमें चीज़ रख देना है, चीज़ वो सामने आपको दिख रहा है अमूल का, वो चीज़ लिया हुआ है मैंने। फिलहाल चीज़ की बड़ी आफत आई हुई है, मिल नहीं रहा है। मोज़रेला चीज़ इसके अंदर आप डालें, बहुत ज़बरदस्त कमाल लगता है, अच्छे से मेल्ट होता है ये चीज़, उतना अच्छा मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। लेकिन यह है कि कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने यही उठा लिया, मैंने कहा चलो यार कुछ नहीं होने से तो कुछ होना बेहतर होता है। तो ये देखिए सारे हमको इसमें से रख देना है, और हमने यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून आप ले लें, और मैदा जो होता है ना वो ले लें आप, उसका पानी के साथ पेस्ट बना लें। आप चाहे तो अंडा भी रख सकते हैं, अंडे से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से पेस्ट बना लें, लेई भी कहते हैं ना जिसे मैदे की लेई, वो कर लें। और फिर यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है, तो ये देखिए सारे इस तरह से बॉल रेडी कर लेना है। अब हम इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में फोल्ड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोटिंग कर देनी है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट बॉल पे जो है ना कोटिंग सिंगल की थी, और बाकी पे फिर सब पे डबल की थी, क्योंकि डबल कोटिंग जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है, और इस वक्त टाइम नहीं होता, अफ्तार का जो वक्त होता है ना वो इतना शार्प होता है, इतना ज़बरदस्त टाइम निकलता है ना कि बस जल्दी जल्दी हो रही होती है। तो यहाँ पर मैंने तो शूट नहीं किया है, लेकिन आप डबल कोटिंग कीजिएगा। मैंने बस एक बॉल पे ही सिंगल कोटिंग की थी, बाकी सब पे डबल की थी, तो इसलिए, ठीक है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं, ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और आई बटन पे डाल दूँगी मैं इसका लिंक जहाँ पे ये रेसिपी है इसकी, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देखेंगे ना तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा लिंक, चैनल जो मेरा है कुकिंग चैनल कुक लाइक शहला, तो वहाँ पर भी आपको उसकी मिल जाएगी रेसिपी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप में आप बना सकते हैं इसको, मैंने दूसरे तरीके से भी इसको शेप से बनाया हुआ है, गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी दे दें, जैसी मर्जी जैसा आपको दिल चाहे ना अपना वो सब शेप दे दें। तो मैं तो इसमें हार्ट शेप देने का सोच रही थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से फिर मैंने नहीं दिया। तो चलिए बस ये इस तरह से हमें सारे फ्राई कर लेना है, और ये देखिए हमारे बनके पूरे रेडी हैं, अफ्तारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। भजिए बनाए थे मैंने, ज़्यादा कुछ आज कलाकारी नहीं की, और ये वाटरमेलन का जो जूस बनाया था ये बहुत ज़बरदस्त लगा था। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, फ़िलहाल टाइम नहीं था इतना, तो बस यही कर पाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, आज का वीडियो अच्छा लगेगा, ज़रूर अपना कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा ट्राई करने के बाद में, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत क्रिस्पी बने थे दोनों ही तरह की चीज। जोहान सारे स्पून लेकर आ गए हैं किचन से और बहुत मस्ती कर रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं क्यों नहीं आ रही हूँ सामने, तो यार इतना मतलब एनर्जी जो है ना, एनर्जी लेवल जो होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है, और लग ही रहा होगा हालात से मेरे तो। ऊपर से ये जोहान जो है ना फुल एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं दोपहर में सो के, और हम डिस्चार्ज हो जाते हैं शाम तक, और अफ्तार के बाद ना बिल्कुल ऐसी कैफियत हो जाती है, ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। बताना किसी के साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है बस अब लेट जाओ, और जहाँ लेटे ना चाय पी के काम करके सब, उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं होती उठने की, बस नमाज़ पढ़ें और उसके बाद कुरान पाक हो सब चीज़ें, तो बस यही वजह थी यार, और कुछ नहीं। दिल तो चाह रहा था मेरा एक्चुअली, लेकिन बस क्या बताऊँ कि जोहान जोहान क्या पी रहे हैं। अरे यार इधर आइए। अच्छा आपकी आंटी बोल रही थी कि जोहान को भी बुलाया करिए, आप बच्चों को दिखाया कर कीजिए, जल्दी इधर आइए। और हमारे जो कमर्सिस हैं और हमारे जो सम्मू हैं, उन्होंने दोनों ने हमें मिस किया कि आप दिख नहीं रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो यार इस वजह से मैंने आज मिलकर चलो आज बना लें, वरना मेरा आज भी थोड़ा मूड नहीं था कि बनाऊँ, मैंने सोचा आज भी बंक मारती हूँ, लेकिन अब आप लोगों ने कहा तो फिर मैं चलो अब यार आ जाते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। और सुनाइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? बस यार दुआ में याद रखना आप लोग भी, मैं भी याद कर रही हूँ सबको दुआ में, मतलब सबको मेरी वाइटी की फैमिली के लिए सबके लिए दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सर में बहुत सारा ऑयल डाला हुआ है मैंने, और जोहान प्लीज देखना जाके इंटी, तो बताना आप लोग ठीक है, दुआ करना मेरे लिए भी, दुआ कर देना अच्छे से, और अपनी वाइटी फैमिली के लिए भी दुआ करना, याद से भूलना मत। जोहान इधर आइए आप मेरे पास, इधर आइए जोहान, नो नो कम हियर, इधर आइए, नहीं 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 मार देनी है, बुरी बात, जोहान नो बदतमीज, इधर आइए जोहान कम, नहीं सुनना है, देखा ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, पूरे वापस से इन्होंने फैला दिए फिर से। चलिए यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पता नहीं मुझे क्या क्या बात करनी थी, लेकिन ये जोहान ना वापस बहुत क्या जोहान क्या कर रहे हैं, नाउ गंदी बात, गंदा बच्चा, तो यह हाल किया हुआ है जोहान ने। चलिए बस अब बाकी का जो हमारा रह गया है काम वो जाकर कर लेते हैं, और मिलते हैं। फनी सा फनी ही लग रहा है, ओप्स व्हाट आर यू डूइंग, तो जोहान जोहान नो, चलिए ठीक है मैं देख लेती हूँ इस तूफान को जो आया हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से, इससे पहले कि हम लोग जख्मी हो जाएं, और जोहान जोहान देखना जरा इनको, इनको बंद कर दीजिए अंदर रूम में ले जाके, दिखा दिया अच्छा ये सुनाइए ये आप कर रहे हैं सब भर के कौन रखेगा वापस से सारे टॉयज, जोहान टॉयज कौन भर के रखेगा, जोहान आप भर के रखेंगे, जोहान टॉयज कौन भर के रखेगा, जोहान अजीब अजीब हरकतें कर रहा है गंदा बच्चा, ये टॉयज कौन भर के रखेंगे, चलो यार जाते हैं काम पे, मम्मा का काम कभी खत्म नहीं हो सकता, रमजान हो या कुछ भी हो, बाप रे जोहान व्हाट आर यू डूइंग, चलो यार मैं ये सब करके फिर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि अभी इसके लिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, दुआ में याद रखना, और बस दुआ में याद रखना, ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय अब जोहान की पिटाई होगी, क्या जोहान क्या बोल रहे, मुंह से बोलिए बाय बाय, नो जोहान नो जोहान नो, ओफो।
Thank you.